Hello everyone, this video is for all the students who are going to appear in JEE Main 2020. Since exam ki dates aa chuki hain, 18 se 23 July ko aapka exam hoga. So now it becomes really important ki is time ko hum best tarike se utilize kare. Aur wo hoga kaise? Uske liye ek proper revision strategy plan karni padegi, ek schedule banana padega aur us pe stick karna padega. बट ये चीज कहने में जितनी आसान लगती है उतनी एक्चुअल में होती नहीं है. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज में स्ट्रगल करते हैं और इस बार की सिचुएशन तो वैसे भी थोड़ी स्पेशल है. तो अभी स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न चल रहा है दैट इज कि हमने जेई मेन के जैन वाले एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया था, उसके बाद अप्रैल वाले के लिए भी प्रिपेयर किया था. सो अभी इस टाइम पे हम नया क्या करें? क्या सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज कर लें, उतना सफिशियंट है, या फिर साथ में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें? और अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? 20 करें या 50 करें या 100 करें? और अगर 50 करें तो वो कहां से करें और कौन कौन से करें? या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें कोई और उसके टेस्ट देते चलें और उसके थ्रू हमें आइडिया लगता जाएगा कि हमारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, और सिर्फ वीक वाले टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं. और इन सभी क्वेश्चंस को अगर मैं एक ही क्वेश्चन में बोलना चाहूं, एक ही सेंटेंस की फॉर्म में बोलना चाहूं, सो द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्लान द रिवीजन स्ट्रेटजी. कैसे मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को प्लान करूं सो दैट मेरा कंप्लीट सिलेबस एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाए, राइट? सो एक तो हमारे सामने अभी ये क्वेश्चन है जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, देर इज वन मोर थिंग जो स्टूडेंट्स जनरली मिस कर देते हैं बट विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाउ टू प्लान द एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजी. कि जब आप जेई मेन का एग्जाम देने जाओ तो माइंड में कौन सी स्ट्रेटजी लेके जाओ जिससे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे. बिकॉज वहां पे जाके रैंडम तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बिल्कुल भी रिकमेंडेड चीज नहीं है ये. उस 3 घंटे में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमें क्वेश्चंस की सही सिलेक्शन करनी आनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने हैं, कौन से मार्क फॉर रिव्यू करने हैं और कौन से क्वेश्चंस को देखते ही स्किप कर देना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन देम. तो जितनी क्वेश्चन सिलेक्शन हमारी बेटर होगी उतना ही बेटर तरीके से हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, राइट? तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली लेके मत चलना कि क्वेश्चन सिलेक्शन पे हमें काम करना पड़ेगा. क्योंकि जब आप एग्जाम देके बाहर आओगे तो ये चीज नहीं मैटर करेगी कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, रादर ये मैटर करेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से आपकी एक्यूरेसी कितनी है. सो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक प्री प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके साथ हम जेई मेन के एग्जाम में जाएंगे. और ये भी समझ लो कि ये स्ट्रेटजी हम एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के नहीं प्लान कर सकते, ये भी हमें अभी से प्लान करके चलना पड़ेगा सो दैट हम इस अवेलेबल टाइम में टेस्ट के थ्रू उस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस कर पाएं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएं एंड अपने एग्जाम तक हम उस चीज में परफेक्शन लेके आ पाएं, राइट? तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है अभी इस अवेलेबल टाइम में. पहली चीज तो हाउ टू प्लान द रिवीजन स्ट्रेटजी एंड सेकेंड इज हाउ टू प्लान द एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजी. अब जिन स्टूडेंट्स के ये दोनों एस्पेक्ट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, कांग्रेचुलेशंस. एंड द रेस्ट, जिनको लगता है कि उनको इसके लिए किसी हेल्प की या गाइडेंस की जरूरत है, तो उनके लिए हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज मैथ्स रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन 2020. 2 मंथ्स की ड्यूरेशन रहेगी इसकी, 15 मई से जुलाई 15. और ये सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट के लिए होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट. और मैथ्स में ये सीरीज आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड का काम करेगी कि इसको अगर आप एज इट इज फॉलो कर लेते हो विद इंस्ट्रक्शंस, इट विल एंश्योर कि आपकी कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन हो जाए इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और इसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स कवर करके चलेंगे जिनकी हमने अभी बात की. एक रिवीजन स्ट्रेटजी आपको प्लान करके दी जाएगी और एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दिया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना होगा. और दूसरा, जो हमने एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की बात की थी, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेटजी प्लान आउट करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं. और जितने भी इस सीरीज में टेस्ट होंगे उन टेस्ट के थ्रू उस स्ट्रेटजी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो आइए देखते हैं इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं.
ओके सो तीन कंपोनेंट्स रहेंगे इसमें, वन इज रिवीजन ऑफ नोट्स, सेकंड वीडियो सेशंस एंड थर्ड इज टेस्ट सीरीज। तो हर चैप्टर के लिए ये तीन चीजें फॉलो की जाएंगी। सबसे पहले उसके नोट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद वीडियो सेशंस के थ्रू उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फाइनली उस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज एक तो हमारे सारे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, देन वीडियो सेशंस ये इंश्योर करेंगे कि हमारे हर एक चैप्टर के सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, एंड देन टेस्ट सीरीज ये हमारे दो पर्पस फुलफिल करेगी। पहला तो कि हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपको खुद जजमेंट लग जाएगी कि आपके कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, किस चैप्टर की कितनी प्रेपरेशन है, और दूसरी इसके थ्रू हम अपनी एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज में ये हमारी हेल्प करेगी, राइट? तो देखते हैं अभी कि ये पूरा प्रोसेस चलेगा कैसे, स्ट्रक्चर देखते हैं इस चीज की। सो 15th मई को ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, 15th मई इज द स्टार्टिंग डेट। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के लिए, 15th मई से जून 27th। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम आपके डेली के दो स्लॉट्स एंगेज रहेंगे, स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 2। स्लॉट 1 का टाइम होगा 10 AM एंड स्लॉट 2 का टाइम होगा 7 PM। और हर स्लॉट में या तो वीडियो सेशन होगा या फिर चैप्टर टेस्ट होगा, एंड पर चैप्टर दो वीडियो सेशंस लेंगे विद 20 क्वेश्चंस ईच। हालांकि चैप्टर टू चैप्टर वेरी कर सकते हैं, किसी में 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी में 25, बट ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस होंगे पर वीडियो सेशन, और हर चैप्टर का साथ में टेस्ट होगा, वन चैप्टर टेस्ट। और ये जो टेस्ट होगा जेईई मेंस पैटर्न बेस्ड होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे सिंगल करेक्ट और 5 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप, राइट? तो एग्जांपल के लिए 15th मई को जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। सो होगा क्या कि 15th मई को स्लॉट नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन का सेशन नंबर 1 होगा, वीडियो सेशन नंबर 1, स्लॉट नंबर 2 में सेशन नंबर 2 होगा, एंड देन 16th मई को स्लॉट नंबर 1 में इस चैप्टर का होगा टेस्ट। तो दो वीडियो सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे और चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से तीन स्लॉट्स में हमारा स्ट्रेट लाइन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये बात ठीक है। अब फर्दर इस चीज को देखते हैं डिटेल में। जब आपका 15th मई को सेशन नंबर 1 होगा तो आपको शेड्यूल एडवांस में अवेलेबल होगा जिसमें मेंशन होगा कि इस सेशन में हम ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, उस सेशन से पहले वो वाले टॉपिक्स अपने नोट्स में से रिवाइज करके रखने होंगे। नोट्स आप सबके पास अवेलेबल होंगे, आपके क्लास नोट्स, आपके कोचिंग नोट्स या फिर आपके सेल्फ स्टडी नोट्स, जैसे भी आपने प्रिपरेशन की थी। तो रिविजन हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, दैट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखना इस चीज का, जो हमने इस सीरीज में पहला कंपोनेंट डिस्कस किया था रिवीजन ऑफ नोट्स, वो कंप्लीटली आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। इस चीज को लाइटली लेके मत चलना बिल्कुल भी। तो नोट्स आप रिवाइज करके रखोगे, सेशन नंबर 1 में उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1, राइट? तो एक बार सेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, सेम चीज सेशन नंबर 2 के लिए चलेगी। जो टॉपिक्स उसमें डिस्कस होने होंगे उसके नोट्स आप लोग रिवाइज करके रखोगे, फिर सेशन नंबर 2 में उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, और उसके बाद नेक्स्ट डे उस चैप्टर का हो जाएगा टेस्ट। सो इस तरीके से एक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और बाकी चैप्टर्स के लिए भी यही वाला पूरा प्रोसेस चलेगा। और ये चीज आप नोटिस कर सकते हो कि सेशन नंबर 1 में 20 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, सेशन नंबर 2 में 20, चैप्टर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस। तो टोटल 65 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक चैप्टर की, जो कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, राइट? और दूसरी चीज, चाहे वीडियो सेशन चाहे चैप्टर टेस्ट, जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चंस इसमें लिए जाएंगे, तो उनकी सिलेक्शन में दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा। पहली चीज तो कि सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस के रेलिवेंट होंगे, जैसे क्वेश्चन जिस लेवल के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन चूज किए जाएंगे, ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी टॉपिक्स और जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपके उस चैप्टर के, वो सारे हम कवर कर लें अपने क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है? तो ये इतने क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक चैप्टर की, नोट्स आप लोग रिवाइज कर लोगे उस चैप्टर के, और साथ में चैप्टर टेस्ट के थ्रू हम अपनी एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। सो आई होप ये चीज क्लियर है।
तो इस तरीके से क्या होगा कि 15th मई से जून 27 तक हमारे सारे चैप्टर्स की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा 15th मई से जून 27। अब जो बाकी का टाइम बच गया फ्रॉम जून 28 से जुलाई 15th, इस टाइम पीरियड में सिर्फ हमारे टेस्ट होंगे। तो दो दिन के गैप पे या तीन दिन के गैप पे चार तो इसमें पार्ट टेस्ट लिए जाएंगे और दो होंगे फुल टेस्ट। एंड अगेन पार्ट टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो सारा कुछ आपको शेड्यूल में मेंशन करके दिया जाएगा। सो इस तरीके से ये आपकी दो मंथ की टेस्ट सीरीज प्लान की गई है, रिवीजन सीरीज रादर प्लान की गई है फ्रॉम 15th मई से 15th जुलाई, राइट। सो अब एक बार फिर से तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन देख रहे हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज रिवीजन ऑफ नोट्स। तो जैसे कि आपको बताया कि आपको शेड्यूल में बताया जाएगा कि किस सेशन के लिए आपको कौन से टॉपिक्स के नोट्स रिवाइज करने हैं, तो जब भी कोई भी वीडियो सेशन आप अटेंड करने बैठोगे उससे पहले मेक श्योर कि आप उसके नोट्स रिवाइज करके बैठो, राइट। कमिंग टू द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज वीडियो सेशंस। सो सारे के सारे वीडियो सेशंस यूट्यूब पे अपलोड होंगे इसी चैनल पे, सो यू कैन एक्सेस देम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर शेड्यूल में मेंशनड है कि स्ट्रेट लाइन का सेशन नंबर 1 15th मई को सुबह 10 बजे होगा तो वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अब हालांकि बाद में भी वो आपके देखने के लिए अवेलेबल तो रहेगा, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जो टाइम शेड्यूल में मेंशनड है आप उसी टाइम पे उस सेशन को अटेंड करो, सो दैट थ्रू आउट द सीरीज आप शेड्यूल को फॉलो कर पाओ, उस शेड्यूल के साथ साथ चल पाओ, अदरवाइज इस रिविजन सीरीज का पर्पज डिफीट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम वीडियो सेशंस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस वन बाय वन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, तो आपको क्या करना होगा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो को पॉज करोगे और उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करोगे अपनी नोटबुक पे, उसके बाद वीडियो को प्ले करोगे तो उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। सो इस कारण से भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले नोट्स को रिवाइज करके रखो ताकि जब आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, आपको वो चीज पता हो, तभी इस वीडियो सेशन का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। नाउ द फाइनल कंपोनेंट, दैट इज टेस्ट सीरीज। तो पूरी टेस्ट सीरीज में टोटल 25 चैप्टर टेस्ट होंगे, प्लस देयर विल बी 4 पार्ट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। सो देयर आर टोटल 31 नंबर ऑफ टेस्ट, और सारे के सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे, सिमिलर प्लेटफॉर्म पे होंगे जैसे जेई मेंस में होते हैं। और जैसे कि पैटर्न आपको बताया, 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप, एंड द टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट होगा, तो 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे आपको टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा और साथ में हर एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सो दैट जो भी आपके उसमें डाउट्स होंगे वो आप वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू क्लियर कर सकते हो, राइट। और दूसरी चीज, क्वेश्चंस की जो सिलेक्शन की जाएगी इस टेस्ट में, उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जैसे क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कि जैसे जेई मेंस में होता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मीडियम लेवल के होते हैं और कुछ 4-5 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो वैसे वाले क्वेश्चंस आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक, ओके। और इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, promath.in, और इसकी जो प्राइस रहेगी दैट इज ₹200, और ये वैलिड होगा आपके जेई मेन्स के एग्जाम तक, जिस दिन आपका जेई मेन का एग्जाम होगा उस दिन तक वैलिडिटी रहेगी इसकी। एंड द फर्स्ट टेस्ट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रायल। तो पहला जो आपका स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा वो ट्रायल बेसिस के लिए फ्री रखा गया है, तो मतलब जब आप फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लोगे इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ नोट्स, वीडियो सेशंस एंड चैप्टर टेस्ट, तो आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि आगे वाली पूरी सीरीज कैसे चलेगी, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज। तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो अपना कि आप पेड सीरीज के लिए ऑप्ट करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, राइट। नेक्स्ट इज शेड्यूल एंड सिलेबस। तो इस सीरीज का जो कंप्लीट शेड्यूल है फ्रॉम 15th मई टू 15th जुलाई की किस दिन कौन से चैप्टर का कौन सा वीडियो सेशन होगा, कौन सा चैप्टर का टेस्ट होगा, तो वो पूरा शेड्यूल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
और अगर सिलेबस की बात करें तो अगेन सिलेबस का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो हम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। बाकी सिलेबस विद टाइम अपडेट करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। और शेड्यूल में पूरे का पूरा शेड्यूल गूगल कैलेंडर में अपडेट किया गया है, तो अगर आप चाहो तो उस कैलेंडर को अपने गूगल कैलेंडर में ऐड कर सकते हो, और उसके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर सकते हो, सो दैट जब भी कोई भी वीडियो सेशन होगा या कोई चैप्टर टेस्ट होगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसका रिमाइंडर आपको कुछ टाइम पहले मिल जाएगा। तो ये जो गूगल कैलेंडर है इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें आप चेक कर सकते हो, इसका कंप्लीट शेड्यूल देख लेना, इसका सिलेबस देख लेना कैसे प्लान किया गया है, और ये जो पूरा शेड्यूल है उसको अगर आप चाहते हो एक ही जगह पे मैनेज करके रखना तो आप गूगल कैलेंडर भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। और 15 मई को सीरीज स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, उनको हम कौन सी टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, और उन कैटेगरीज के बेसिस पे हम क्वेश्चंस की सिलेक्शन करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो इन अदर वर्ड्स, जो हम एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे पहले, तो वो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ वीडियोज में, ठीक है। तो वो जब भी अपलोड होगी वो आप चेक कर सकते हो। सो 15 मई को हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। ओके, थैंक यू।